नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिशन काश्मीर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन काश्मीर विद विनोद चोपड़ा निर्देशित और निर्मल प्रोजेक्ट की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रियजिंदा, सोनाली कुलकर्णी है। ये आतंकवाद और युद्ध से पीड़ित बच्चों की दासिदी से अब संबंधित है। मिशन काश्मीर एक युवा लड़की अल्फाज खान का अनुसरण करता है, जिसे एक मुस्लिम पुलिस प्रमुख द्वारा गोद लिया जाता है, क्योंकि उसकी पुलिस टीम गलती से लाफ के पूरे परिवार को मार देते हैं। पता चलता है कि बाद में वो बदला लेना चाहते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका है, जिसका के दौरान रेडिट और फिल्म स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रचलित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई, जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज्जा के साथ समानताएं थी, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है। जब इनायत के जवाब जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर को मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है, जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं, जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्फाज को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है, और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है, और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे
का शिक्षा करते हैं आतंकवादी बनी। 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है, जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है, या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भाई के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्बेज से मिलने जाता है, हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है, जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया, जिसने हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से इसी कार खो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तरह के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर्क के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ जाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी, ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा, क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की झुके दंग के तहत जोर आता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुँचते, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है, लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की उनकी असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहते हैं कि अगर वो हिलाल के पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरफ के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है, जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर पुनः नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ
रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आर्मियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धनुस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने को कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहाँ वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता को मुख्य सचिव बनाया गया है। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचिता त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूट के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 की मूव में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े कपड़े पहनते थे, जिसमें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें दस्तों पोस्टर बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुँचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके कारण रेडेट और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रचलित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई, जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पूजा के साथ समानताएं थी, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवाब जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर को मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है, जिसके उनका बेटा अल्ताफ अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना लेते हैं, जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना
पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर अक्सर सफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ नाव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्बेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पर जाता है। खान के अलीमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के तीन लोगों ने खान को ब्रेकफेस में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के ठिकाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाल चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो समय नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ भागे बनने की अनुमति देने की झुके दंग के तहत जो रहता है ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत के बिना एक पठान की गर्दभूति योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हैं हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहते हैं कि अगर वो हिलाल के पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरफ के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयारी है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी
अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजक को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाया गया है। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इल्ताप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिसमें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीना प्यार है उन्हें रास्ता स्पष्टा बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है हिस्सा के कारण रेडेड और फिल्म की स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पूजा के साथ समानताएँ थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर के मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत को युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना
पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर अक्सर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गाँव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने से वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने घर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बांध दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के ठिकाने में इसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट उपस्थित पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नीलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूच झुके दंग के तहत जो रहता है ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे। इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्यों को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है उसे याद है कि नीलिमा उसे
मजारों पर ले गई थी और पिपली नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्षी चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ में थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद, भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रात सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके कारण रेडेड और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस से महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 430 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म वीजा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर के मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बजवर
बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्फाज को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन की योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीली माँ के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से ये स्वीकार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने दर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ ठकाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कबूल किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की झुके दंग के तहत जो रहता है ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे। इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हैं हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहते हैं कि अगर वो हिलाल पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए
पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और पिपली नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ़ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोइस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुरदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाया गया है। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रात-रात सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते। संयुक्त राज्य अमरीका है जिसका के कारण रेडेड और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म विजय के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर के मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्ताफ अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के
उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक न्यायिक युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। न्यायिक को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पर जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकर्स में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ मार दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ लगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोगों को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट उपस्थित पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नीलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूच झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हैं, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती हुई कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्यों
को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताब इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर पहले नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ में थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ़ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक, उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाया गया है। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सोफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इल्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोरी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को खीना प्यारे उन्हें रास्तों स्पष्टा बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका है जिसका के कारण रेडेट और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म वीजा के साथ समानताएँ थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर कर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके
मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मनाफ लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में नायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान ही हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से शिकार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर्क के लिए माफ़ी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ हटा दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ लगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को खबर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैप करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नीलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूच झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घटना एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुँचते हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटना शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को
को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्षी चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने की जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सुफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचिता त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर की शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते थे, जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया। स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण, और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता पोस्टर बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडिट और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रस्तुत किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस से महत्वपूर्ण से टकराई, जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे हसन की 2000 की एक और फिल्म पूजा के साथ समानताएं थी, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाता है। जब डॉक्टर ने डर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है, जिसके उनका बेटा अल्ताफ अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके
मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक नायक के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मुनाफा लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर अक्सर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में नायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पड़ जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान की हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडित किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बना दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ लगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को खबर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नीलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की बिना एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुँचते हैं हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की उनकी असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरफ के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य
को स्वीकार करने की तैयारी है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोए रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थल में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं को मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ एक सुखद सपने की जगह है जहाँ वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ़ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोइस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोली त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार उन्हें दास्तान सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुँचा पहचाना जाने लगा। आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडेट और फिल्म स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रचलित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पूजा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है। जब इनायत के जवाब जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर को मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके
मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक नायक के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मनाह लेते हैं, जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है, और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर अक्सर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गाँव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है, और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है, जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है, या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि बाद में नायक को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है, हालांकि वह उसके प्यार से पड़ जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है, और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया, जिसमें हिलाल के तीन लोगों ने खान को ब्रेकफेस्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से इसी कार हो जाती है, और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने घर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए हत्यादी के पश्चाताप के साथ बना दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के ठिकाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और बम लगाने वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी, ताकि पब्लिक साजिश को खबर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा, क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्य पर सहमत नहीं होता है तो वो आतंक अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं, और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की मुलती असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती हुई कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरक नरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है, जो अल्ताफ के लिए अपने प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए
पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने के तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने के कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ एक सुखद सपने की जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मुनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सांसद के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते थे जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडेड और फिल्म के कास्ट स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज़्ज़ा के साथ समानताएँ थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर ने डर के मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्फाज को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पड़ जाता है। खान के जन्मदिन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के तीन लोगों ने खान को ब्रेकर्स में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिलीमा दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफ़ी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बिठा दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ ठकाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जोर आता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहते हैं कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरक नरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और पिपनी नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजक को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोइस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशांश सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रात सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडिट और फिल्म की स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज़्ज़ा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाता है। जब डायरेक्टर ने डर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो वो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पर जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पवन होता है पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकर्स में बम लगाया। दुर्भाग्य से नीलिमा दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर्क के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ मिटा दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ लगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोगों को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को खबर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नीलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जोर आता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हैं हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की मल्टी असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती हुई कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरक नरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और पिपनी नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आदमियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने के कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोइस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशास सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाया गया है। सांसद के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचिता त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोरी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया है। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडेड और फिल्म का स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म वीजा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाता है। जब डायरेक्टर ने डर कर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपनी बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मनाख लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के जन्मदिन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर्क के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ ठकाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। लेकिन युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को खबर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की गलती असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर पुनः नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोए रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आर्मियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने की जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सांसद के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद, भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता पोस्टर बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा थे और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके कारण रेडिट और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस से महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज्जा के साथ समानताएँ थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवाब जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाता है। जब डायरेक्टर ने डर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उससे आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मनाक लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्फाज को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पड़ जाता है। खान के जन्मदिन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान की हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के तीन लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बिठा दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ लगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कबूल किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नज़र रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हैं हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की गलती असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहते हैं कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और पिपनी नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खून रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आर्मियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारों करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने के कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजक को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ़ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोइस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशास सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर की पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया है। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके कारण रेडेट और फिल्म की स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रसारित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म विजय के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाता है। जब डायरेक्टर ने डर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपनी बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की नफरत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्बेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पड़ जाता है। खान के जन्मदिन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल प्रयास करता है जिससे परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी, अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से नीलिमा दुर्घटना से इसी कार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर्क के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठगाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोगों को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर को विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है, हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्यों पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नज़र रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है, इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जो रहता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है, हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे, इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते, हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते हैं और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की गलती असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है, कश्मीर तरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और फिर पनी नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आर्मियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धनुस्थल को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूट हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजों के ठिकाने के कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अनिशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनी शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सांसद के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इर्थाप के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया है। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता सुपरस्टार बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडेड और फिल्म के स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रचलित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज्जा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवाब जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डॉक्टर डायरेक्टर ने डर कर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपनी बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना कर लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्ताफ को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पाया और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद दिलाल हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की मुफलत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ अपने बचपन के दोस्त और टेलीविजन व्यक्तित्व सूफिया गर्वेज से मिलने जाता है हालांकि वह उसके प्यार से पल जाता है। खान के अजमुद्दीन पर श्रीनगर के स्थानीय टीवी डायरेक्टर के उड़ान है कि हिलाल की योजना को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो इनायत के जीवन पर एक और सफल से परिवार स्वरूप उसे मीडिया द्वारा वांछित अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और इनायत और नीलिमा के बीच एक पतन होता है। सूफिया भी अल्ताफ के असली पेशे के बारे में जान जाती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसी तारीख को जब अल्ताफ के परिवार की हत्या हुई थी अल्ताफ ने इनायत पर एक और प्रयास किया जिसमें हिलाल के 3 लोगों ने खान को ब्रेकफास्ट में बम लगाया। दुर्भाग्य से दिल्ली में दुर्घटना से शिकार हो जाती है और इनायत और अल्ताफ दोनों की बुरी तबाही के लिए पूर्व में उसके साथ अपने तर के लिए माफी मांगने का मौका खो देता है। बाद में उसे मारने के लिए अत्याधिक पश्चाताप के साथ बता दिया जाता है। नीलिमा के अंतिम संस्कार के बाद इनायत आतंकवादी के पीठ हजाने में उसे उस पर आक्रमण करते हैं, कामयाब हो जाते हैं और बम लगाने में वाले लोग को पकड़ने के बाद मिशन कश्मीर के बारे में सबूत और जानकारी खोज लेती है। सूफिया की मदद के कुछ कैसेट टेप देखने के बाद इनायत को पता चलता है कि असली मिशन कश्मीर के महाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पूजा के स्थानीय स्थानों पर मिसाइल लॉन्च करते हैं इससे कश्मीर की विभाजित किया जा सके और उसे कश्मीर में बदल दिया जा सके। एक युद्ध क्षेत्र ये भी पता चलता है कि टीवी टावर पर हमले की साजिश हिलाल ने प्रधानमंत्री की हत्या के अवसर फैलाने के लिए बनाई थी ताकि पब्लिक साजिश को कवर किया जा सके। इनायत को ये भी पता चलता है कि हिलाल ने जानबूझकर मिशन कश्मीर की असली साजिश को अल्ताफ से गुप्त रखा क्योंकि उसे डर था कि अल्ताफ उसका समर्थन नहीं करेगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब अल्ताफ लॉन्च की तैयारी के लिए दलदली ठिकाने पर जाता है हिलाली चुपके से अपने एक आदमी से कहता है कि अगर वो सही लक्ष्य पर सहमत नहीं होता है तो वो अल्ताफ पर नजर रखे और उसे मार डाले। जेल में आग लगाकर जो बम विस्फोट विपक्षक पुरुषों में से एक को भागने की अनुमति देता है इनायत और उसके आदमी हिलाल को ट्रैक करने के पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इनायत हिलाल के साथ एक सौदा करने की पेशकश करता है। नलिमा को मौत का बदलाव लेने के लिए अल्ताफ को मारने के बदले हिलाल और उसके आदमियों को मिशन कश्मीर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सूझ झुके दंग के तहत जोर आता है। ये देखते हुए कि अल्ताफ के लिए इनायत की घृणा एक पठान की कर्तव्य के योग्य है हिलाल सौदा स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लोग गलती नहीं किए जाएंगे इनायत हिलाल के साथ अकेले ठिकाने पर जाते हैं। जैसे ही हिलाल और इनायत ठिकाने पर पहुंचते हिलाल इनायत के ठिकाने के बारे में अल्ताफ को बताते और एक क्रोधित अल्ताफ थके हुए इनायत को पीटता शुरू कर देता है लेकिन बाद में उस मिशन कश्मीर की मूर्ति असली लक्ष्यों को पता चलता है कि ये कहती है कि अगर वो हिलाल को पवित्र मंदिरों के नष्ट करते देखता है कश्मीर नरक के बदल जाएगा। हिलाल अल्ताफ को इनायत को गोली मारने के आदेश देता है जो अल्ताफ के लिए अपने
प्यारे प्यार और अपने परिवार को हत्या के लिए पश्चाताप व्यक्त करने के बाद अपने भाग्य को स्वीकार करने की तैयार है। जैसा कि अल्ताफ इसे करने के लिए संघर्ष करता है, उसे याद है कि नीलिमा उसे मजारों पर ले गई थी और पीपल ने नीलिमा ने अपनी यात्रा के दौरान पक्ष चुनने के बारे में कही थी। अपनी माँ का धोखा देने के लिए अनिच्छुक अल्ताफ ने बदला लेने की अपनी योजना की एक तरफ खोल रखने का फैसला किया और इनायत को हिलाल और उनके आर्मियों को पवित्र मंदिरों की निशाना बनाने से रोकने की मदद की। हालांकि अल्ताफ द्वारा गोली मारे जाने से पहले हिलाल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बम फेंका, जिससे हिलाल के आदमियों को धर्मस्थलों को उड़ाने की तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि इनायत ने कई आतंकवादी को मार गिराया, अल्ताफ ने कब्जा करने की खुद को चुरा लिया थी। मिसाइल लॉन्चर और अन्य लॉन्चरों को नष्ट करने और सब आतंकवादियों को मारने के लिए इसका उपयोग करता है। इस प्रकार धर्मस्थली का बचाना, हालांकि अल्ताफ ने थर में गोली लग जाती है और वो दलदल में गिर जाते हैं। इनायत कूद जाती है और बेहोश अल्ताफ को किनारे पर लाकर बचा लेती है। अल्ताफ के छुटकारे के कार्यों के कारण छूटे हुए ठिकाने के विस्फोट से बच जाती है। मिशन कश्मीर की योजनाओं के मीडिया द्वारा जनता के सामने प्रकट किया जाता है और आतंकवादी प्रयोजकों के ठिकाने की कश्मीर पुलिस द्वारा पता लगाया जाता है, जो प्रयोजकों को गोली मार देते हैं क्योंकि वो अपने दो सहयोगियों की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ एक सुखद सपने के जगह है जहां वो सुफिया के साथ सुलह करते हैं और इनायत को 10 साल बाद फिर से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए इनायत को माफ कर देता है। इनायत खान के रूप में संजय दत्त, अल्ताफ खान के रूप में ऋतिक रोशन, सुफिया परवेज के रूप में प्रीति जिंटा, नीलिमा खान के रूप में मोनाली कुलकर्णी, हिलाल कोहिस्ताली के रूप में जैकी श्रॉफ, रूप राजकुमार मलिक उल खान के रूप में अवनीशा सूट के रूप में अभय चोपड़ा, विनीत शर्मा, सुदीप सिंह, राजेंद्र गुप्ता के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सरासत के रूप में अशोक बंठिया, युवा अल्फाज के रूप में सहयोग मेनोन, युवा सूफी के रूप में हुमा विश्वास, योगिनी सोनी, इस्ताफ के रूप में गुरु के रूप में रोहित दुआ, सुचित्रा त्रिवेदी, डॉक्टर अख्तर के पत्नी के रूप में जुबेद भाई के रूप में राम अवाना, पापा पहुंची छूत के रूप में उत्पादन कश्मीर की कड़ी सुरक्षा के कारण 1990 के अंत में जब मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर के शूटिंग शुरू करने के लिए स्थान पर पहुंचे तो उनकी पहली फिल्म कहीं ना प्यार है 2000 कभी तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए किसी ने भी नहीं उन्हें पहचाना रही थी। श्रीनगर में शूटिंग के पहले दिन एक कश्मीरी आतंकवादी के रूप में अपने कपड़े पहनते हुए जिन्हें उन्होंने फिल्म के विचित्र किया स्थान पर सुरक्षा गार्डों के सोचा कि ऋतिक वास्तव में कश्मीरी, उनकी मोगोड़ी त्वचा और हल्के रंग के कारण और उन्हें सेट पर जाने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद 14 जनवरी 2000 को कहीं ना प्यार है उन्हें रास्ता पोस्टर बना दिया और उनका चेहरा तुरंत हर जगह पहुंचा पहचाना जाना लगा और आतंकवादी बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका के कारण रेडिट और फिल्म की स्टॉक होम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रचलित किया जाता है। 27 अक्टूबर 2000 को दीपावली त्यौहार के दौरान भारत और दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा के म्यूजिकल रोमांस से महत्वपूर्ण से टकराई जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अभिनय किया था। फिर भी ये 433 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी जो 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी। इससे सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और इससे रोशन की 2000 की एक और फिल्म पिज़्ज़ा के साथ समानताएं थी जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका भी निभाई थी। इनायत खान श्रीनगर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। जब इनायत के जवान बेटी इरफान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक दुर्घटना से बच जाते हैं। जब डायरेक्टर ने डर मारे उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वंचित आतंकवादी मलिक उल खान ने डॉक्टरी को पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का इलाज करने से मना कर दिया था। इनायत ने मलिक के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। इनायत और उनकी टीम मलिक और उसके आदमियों को ट्रैक करने की प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद दो होने वाली गोलीबारी में मलिक और उसके आदमियों के साथ एक दर्शक जोड़ा मारा जाता है जिसके उनका बेटा अल्फाब अकेला बच जाता है। इनायत की पत्नी नीलिमा अभी भी
अपने बेटी के नुकसान से दुखी है और अपने पति के उस पर विश्वास के बावजूद उसके मौत के लिए गलत तरीके से खुद को दोषी ठहराते हैं। एक अनिच्छुक इनायत के युवा अल्ताफ को गोद लेने के लिए मना लेते हैं जो अपने परिवार के नुकसान से सदमे में है। इनायत को डर है कि अगर अल्फाज को घटना पीछे सच्चाई का पता चलता है तो बदला ले सकता है और ये डर है कि दिन सच हो जाता है। इनायत के जीवन पर एक अवसर असफल प्रयास के बाद युवा अल्ताफ गांव जाता है। अपने बठान नेहा हिलाल पाकिस्तानी के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा और लाया जाता है और उसे ये सोचने से मदद करने के वो उसके लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और उसे प्रशिक्षा करते हैं। आतंकवादी बनी 10 साल बाद हिलाल को मिशन कश्मीर को पूरा करने का काम सौंपा गया है जो एक अनाम आतंकवादी प्रयोजन के योजना के जिसमें शामिल है या जैसा कहा जाता है कि अल्ताफ ने भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। हिलाल अल्ताफ की मुफलत को अपने लक्ष्यों को प्रयास करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं जबकि बाद में इनायत को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अब एक महानिरीक्षक है। अपने परिवार के मौत के लिए अल्ताफ